Hello learners welcome back to my youtube channel here i come with an interesting lecture from your history chapter socialism in europe and the russian revolution learners in our previous video we discussed about the revolution of 1905 and the bloody sunday which was led by father kepon और जिसके ऊपर जार निकोलसकंड ने ओपन फायर करवा दिया था पीसफुल मार्च पर जिसकी वजह से हंड्रेड सिटीजन्स मर गए थे और थ्री हंड्रेड घायल हो गए थे और आज हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रि एम्पायर की और फेबररी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद आर यू रेडी सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे 1914 की ब्लडी संडे के इंसिडेंट का और उसी समय पर एंटायर वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर वन छिड़ गया था जैसा कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1914 18 एटीन सॉरी 18 के बीच में हुआ था यानी चार साल तक ये चला था और एंटायर वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स फर्स्ट था सेंट्रल पावर्स एंड अनदर वन इज अलाइड फोर्सेस, सेंट्रल पावर्स के अंदर जर्मनी टर्की और ऑस्ट्रिया थे और अलाइड फोर्सेस वाले ग्रुप में फ्रांस ब्रिटेन और रशिया थी बट लेटर ऑन रोमानिया और इटली ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था गाइस आपके एग्जाम में वर्ल्ड का एक मैप आता है जिसके अंदर आपको सेंट्रल पावर्स और अलाइड फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी होती हैं सो आई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो आप इसे लर्न कर लीजिएगा इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा अब आप देख चुके हैं कि सेंट्रल पावर्स में जर्मनी टर्की ऑस्ट्रिया हैं और अलाइड फोर्सेस में फ्रांस है ब्रिटेन है रशिया है और हम बात कर रहे हैं रशिया की जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया के अंदर देन ये बहुत पॉपुलर था और लोगों ने जार निकोलस सेकंड जो कि इनका किंग था उसे काफ़ी सपोर्ट भी किया इस इस वर्ल्ड वॉर को फाइट करने में लेकिन जैसे-जैसे युद्ध कंटिन्यू हुआ आगे चलने लगा तो जार निकोलस अपनी मनमानी करने लगे जार ने जो ड्यूमा ड्यूमा क्या थी पार्लियामेंट थी वहां की तो ड्यूमा की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी उससे आगे की कैसी रणनीति होनी चाहिए इस वर्ल्ड वॉर को फाइट करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसा कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया जार निकोलस सिकिड सारे डिसीजन खुद ही लेने लगे सारी स्ट्रैटेजी खुद ही बन आने लगे और उन्होंने ड्यूमा से कंसल्ट करना ही बंद कर दिया जिससे रूस के अंदर जार का सपोर्ट कम होने लगा और लोगों के अंदर जर्मनी के अगेंस्ट हेटरड पैदा होने लगी जर्मनी जो कि सेंट्रल पावर था जिसके अगेंस्ट रशिया फाइट कर रहा था लोगों के अंदर जर्मनी के अगेंस्ट इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन भाषा का नाम था उसे चेंज करके उस सिटी का नाम पेट्रोग्राड कर दिया और उनकी ये फीलिंग केवल सेंट पीटर्सबर्ग तक ही सीमित नहीं थी जो जार निकोलस सेकंड की वाइफ थी यानी कि रशिया की जो क्वीन थी जरीना वो मूल की थी जो कि जर्मन का था तो इसलिए लोग उनसे भी बहुत हेट करते थे और सेकंड जरीना के और किंग के एक मॉन्क सपोर्टर थे एक एडवाइजर थे रासपुतिन तो जरीना और रासपुतिन ने भी लोगों की हेटर्ड को इंक्रीज किया अब जो वॉर हो रही थी वो दो फ्रंट पे लड़ी जा रही थी वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट में जो आर्मी थी वो ट्रांचेज यानी कि खाइयाँ बना करके उसके अंदर बैठ कर के फाइट कर रही थी और ईस्टर्न फ्रंट के जो आर्मी से जो सोल्जर्स थे उन्हें काफ़ी कंपैरेटिवली वेस्टर्न फ्रंट के काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता था जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिक जो हैं वो मर जाते हैं अब धीरे धीरे करके जो आर्मी है उसका मनोबल टूटने लगता है वो फाइट नहीं करना चाहते हैं और 1914 टू 1916 के बीच में रशिया की जो आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा बहुत ही बुरे तरीके से हराई गई और इस युद्ध में 1917 तक सेवन मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी अब जो रशिया की आर्मी थी उसने वापस रशिया आना स्टार्ट किया तो जब वो रिट्रीट हो रहे थे जब वो वापस आ रहे थे रशियन आर्मी ने सोचा कि ये जो सोल्जर्स हैं जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के ये तुम्हारे पीछे ना आ पाए और इन्हें खाने के लिए कुछ ना मिले इन्हें रहने के लिए जगह ना मिले इसलिए इन्होंने रस्ते में वापिस आते हुए रिट्रीट करते हुए जो क्रॉप्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन इस आर्मी ने उस क्रॉप और उन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते समय ये नहीं सोचा कि वो रशियन फार्मर्स रशियन पीजेंस और रशियन पीपल्स के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इन क्रॉप्स और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की वजह से रशिया के अंदर थ्री मिलियन रिफ्यूज़ीज हो गए और जो सिचुएशन थी अब वो गवर्नमेंट और जार के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी लोगों के अंदर बहुत गु़स्सा था और इस फाइट का रशियन की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काफ़ी बुरा इम्पेक्ट पड़ा क्योंकि रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो तो पहले ही बहुत कम थी एंड नाउ द टोटली कट ऑफ फ्राम सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ़ द बाल्टिक सी बाल्टिक सी के ऊपर हेयर यू कैन सी द बाल्टिक सी और यहाँ पर है रशिया तो इस बाल्टिक सी के ऊपर पूरी तरह से जर्मनी का कंट्रोल हो गया था जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्रीज़ गुड्स यहाँ से क्रॉस होकर रशिया तक नहीं पहुँच रही थी तो ना केवल क्रॉप्स बल्कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी स्वय बैड इम्पेक्ट पड़ा था इस वर्ल्ड वॉर का और यदि हम रशियन इक्विपमेंट्स को रशियन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को कंपेयर करें इंटायर वर्ल्ड से इंटायर यूरोप से तो वो बहुत जल्दी बेकार होने लगे थे सारे इक्विपमेंट्स ख़राब होने लगे थे नाइनटीन सिक्सटीन तक आते आते जो रेलवे लाइंस थी वो टूटने लगी थी और बहुत सारी जो वर्कशॉप्स हैं वो भी ठप हो गई थी उनके अंदर काम नहीं हो पा रहा था क्यों क्योंकि जो अच्छी जो हेल्दी पीपल थे जो हेल्दी सिटीजन्स थे उनको फ्रंट पे भेजा जाने लगा वर्ल्ड वॉर को पार्टिसिपेट करने के लिए तो वर्कशॉप्स में काम करने के लिए वर्कर्स रहे ही नहीं तो सारी छोटी छोटी वर्कशॉप्स को बंद करना पड़ा अनाज की कमी हो गई फूड स्कासिटी हो गई स्कासिटी में मतलब कमी तो अनाज की कमी हो गई क्यों हो गई क्योंकि जितना भी अनाज कुछ अनाज रिट्रीट करते हुए आर्मी ने वेस्ट कर दिया सारी क्रॉप्स को खराब कर दिया और जो बाक़ी अनाज था वो आर्मी की नीड को सोल्जर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए फ़्रंट पर भेजा जाने लगा तो जो कॉमन पीपल थे उनको खाने के लिए खाना मिल ही नहीं रहा था जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने राशन की जो दुकानें थीं 1916 के विंटर सीजन में सर्दियों में उन्होंने उन बेकरी शॉप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया दंगे होने लगे खाने को लेकर के और ये जो सिचुएशन शिट, थी वो केवल एक सिटी में नहीं बल्कि रशिया के एंटायर रशिया में यही सिचुएशन हो गई थी अब हम बात कर लेते हैं फेब्रवरी रिवोल्यूशन की जो कि पेट्रोग्रैड में हुआ था एक्चुअली बाय द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्रैड वर्क क्रिटिकल एक्चुअली ऐसा देखकर लगता था कि इस सिटी को बसाया ही इस तरह से गया है कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये है रिवर नेवा हेर यू कैन सी दिस इज़ द रिवर नेवा ये नेवा का लेफ्ट साइड है और ये नेवा की राइट right साइड है आप देख सकते हो कि राइट साइड में सारे पीजेंट्स या लेबर क्लास रहती है और लेफ़्ट साइड के अंदर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स व्लेस सारे ऑफिस आप देख सकते हो तो जब हम इस तरह से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कितने सारे डिविजन्स हैं कि इस सिटी को बसाया ही इस तरह से गया है कि ऑलरेडी ही इतनी डिफ्रेंशिएट है तो हम कैसे इक्वालिटी की बात कर सकते हैं विंटर सीज़न में 1917 सेवेंटीन की हम बात कर रहे हैं तो विंटर सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी जिसकी वजह से वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गई थी और जो वर्कर्स क्वार्टर्स थे उनके अंदर फ़ूड शॉर्टेज हो गई क्योंकि जो सर्दियाँ थी वो बहुत चील थी हैवी स्नोफॉल हुआ था फ्रॉस्ट थी और पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और जो पार्लियामेंट के फेवर में थे वो चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बची रहे तो वो केवल ड्यूमा को भंग करने के लिए जो जार की कोशिशें चल रही थी उनको विरोध में लगे रहे और किसी ने भी वर्कर्स की कंडीशंस के बारे में नहीं सोचा तब बाईस फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में लोकआउट हो गया राइट right साइड की राइट right बैंक था जो नेवा का, वहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर लोकआउट अनाउंस हो गया यानी कि उस फैक्ट्री में को बंद कर दिया गया और मज़दूरों ने इसके अगेंस्ट जो फिफ्टी और फैक्ट्रीज़ थी उनके मज़दूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया उन सब स्ट्राइक पर चले गए क्योंकि वो सिम्फी दिखा रहे थे उन वर्कर्स के आ, फेवर में जो जो उस फैक्ट्री में काम करते थे जिसका लुकआउट हो गया अब वो सारे वर्कर्स जो हैं उन्होंने क्रॉस द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू सेंटर ऑफ द कैपिटल नेविस्की प्रोस्किट वो वहाँ की राजधानी नेविस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी अब कोई भी इस समय तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था जब ऑफिशियल बिल्डिंग्स और फैशनेबल क्वार्टर्स को उन वर्कर्स ने घेर लिया गया तब पूरे शहर के अंदर कर्फ्यू अनाउंस कर दिया और ट्वेंटी फोर्थ और ट्वेंटी फिफ्थ को वो लोग फिर से सारे इकट्ठा हो गए जब कर्फ्यू लगा तो वो इधर उधर चले गए थे लेकिन जैसे ही ट्वेंटी फ़ोर और ट्वेंटी फाइव को वो फिर से इकट्ठा हुए फिर से असम्बल हुए और अब सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों को बुला लिया गया था और पुलिस को तैनात कर दिया गया था लेकिन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ 1917 नाइनटीन सेवेंटीन को जो ड्यूमा थी उसे सस्पेंड कर दिया गया अब उसके सस्पेंड होने के बाद वर्कर्स को लगने लगा कि अब उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा सो ट्वेंटी सेवन को बड़ी संख्या में जो सारे वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर दिया उनको डिस्ट्रॉय कर दिया वो रोटी सैलरी काम के घंटे जो हैं वो निश्चित होने चाहिए उनको कम किया जाना चाहिए और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की डिमांड करने लगे सरकार ने फिर से गवर्नमेंट ने उन पर कंट्रोल करने के लिए जो सैनिक थे जो कैबलरी फोर्सेस थी उसको बुलाया गया लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो गया जो सोल्जर्स थे उन्होंने इन वर्कर्स के साथ शेक हैंड कर लिया यानी कि ये दोनों मिल गए अब मिलने के बाद जो सोल्जर्स थे उन्होंने इन पर फायर करने से मना कर दिया और सारे सिपाहियों ने एक रेजिमेंट में इकट्ठा होकर अपने ऑफिसर्स पर ही गोलियां चला दी और तीन जो दूसरी रेजिमेंट्स थी उनमें भी सेम प्रोसेस होने लगा और वो सब भी आकर के इन स्ट्राइक पर चल रहे लेबर्स को वर्कर्स को सपोर्ट किया उसी शाम को उसी शाम को इन वर्कर्स ने एक पेट्रोग्ड सोवियत का गठन किया और उसी इमारत में इकट्ठा हुए जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी और यहीं से पेट्रोग्रैंड सोवियत का जन्म होता है और नेक्स्ट डे कुछ आर्मी कमांडर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के इन सब के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जार से मिलने जाते हैं और जार को इस बात के लिए मना लेते हैं कि वो खुद ही रिज़ाइन कर दे एंड जार फॉलोड देयर एडवाइस एंड अबेडिकेटेड ऑन सेकेंड मार्च यानी कि दो मार्च को वो अपना क्राउन छोड़ देता है सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स अब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं इस कंट्री को चलाने के लिए और निकोलस ने निकोलस जार ने जो क्राउन था वो अपने भाई माइकल को ऑफ़र किया लेकिन उसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जो ड्यूमा थी वो वापस आ गई और रिप्रेजेंट कर रही थी वो प्रॉपर्टीज़ क्लासेस को जिसके पास प्रॉपर्टी है अब जो रशिया का फ्यूचर था वो डिसाइड करेगी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इलेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट और इस तरह से फ्रांस के अंदर सॉरी रूस के अंदर फरवरी 1917 में मोनार्की को ख़त्म हो जाती है और कॉन्स्टिटेंट असेंबली का गठन होता है सो दैट्स ऑल फॉर आर टू वीडियो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड दिस विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड इट रियली हेल्प यू इन योर स्टडीज देन कीप्स सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड डोंट फॉर्गैट टू प्रेस द बेल बटन सब्सक्राइब करने और बेल बटन को प्रेस करने के आपको कोई चार्जेस नहीं देना है बस इतना हो जाता है कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उस लेसन को इस लेशन को आगे पढ़ पाएंगी सो टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्दी